देखो कल कस्टम में अपन बेसिक क्लास में बेसिक चीजें पढ़े सर, कस्टम के बारे में। आज टाइप ऑफ ड्यूटीज पढ़ेंगे। अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, कुछ तो जगह से प्रैक्टिकल चीजें आती है, बट ये अगले चैप्टर का बेस है, तो अगले चैप्टर में ये काम आता है। टाइप ऑफ ड्यूटीज बहुत सिंपल मजेदार चैप्टर है, अच्छा है, मजा आएगा। देखो सर, देखो सबसे पहले कस्टम में दो टाइप से टैक्सेस लगते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट लगता है सर एज पर फर्स्ट शेड्यूल, और एक्सपोर्ट लगता है एज पर सेकेंड शेड्यूल। सर हमारे लिए एग्जाम में सबसे ज्यादा रिलेवेंस क्या होता है? इंपोर्ट। आपको एक्सपोर्ट ध्यान नहीं रखना होता है, क्योंकि जनरली एक्सपोर्ट पे कोई टैक्सेस नहीं होते, इसलिए वो आपसे एग्जाम में जो क्वेश्चन देते हैं ना, वो इंपोर्ट के ही देते हैं, एक्सपोर्ट के नहीं देते। ठीक है, इंपोर्ट में देखो सर, ये कस्टम की ड्यूटीज है। देखो इतने प्रकार की कस्टम ड्यूटी होती है, बेसिक कस्टम ड्यूटी, प्रोटेक्टिव, सेफगार्ड, काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडीज आर्टिकल्स, एंटी डंपिंग ड्यूटी, आईजीएसटी, जीएसटी कंपनसेशन सेस, ये सब हम पढ़ेंगे। एक एक टाइप की ड्यूटी नीचे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, पर आप ये समझ लो कि सर इंपोर्ट में ही मेनली फोकस करना है, एक्सपोर्ट एग्जाम के लिए रिलेवेंस नहीं रखता, आता भी नहीं है ना, इन्होंने सिलेबस में दिया है ना, रिलेवेंस रखता है। एक्सपोर्ट आप डिटेल में पढ़ोगे फाइनल में, फाइनल में एक्सपोर्ट के बारे में बहुत गजब डिटेल में होता है, क्योंकि फाइनल है सर, वो तो वहां मान के चलेंगे ना, आपको सब चीज सीखना है, तो इंटर लेवल पे वो इंपोर्ट पे ही फोकस करते हैं। स्टार्ट करें। देखो सर, अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब ऊपर जो हमने ड्यूटी पढ़ के आई, उसके अलावा सोशल वेलफेयर चार्जेस होता है सर, वो हमारा लगता है सर 10% के हिसाब से। सोशल वेलफेयर चार्जेस होता है, वो लगता है 10% के हिसाब से। 10% किसका? ऑफ टोटल कस्टम ड्यूटी एक्सक्लूडिंग फ्यू, मतलब कुछ चीजों पे नहीं लगता। तो मेरे से कोई पूछेगा सर कि अगर आप बोलोगे कि ये सोशल वेलफेयर चार्जेस किसमें लगने वाला है, तो मैं बोलूंगा यार सोशल वेलफेयर चार्जेस ना जनरली बेसिक कस्टम ड्यूटी पे लगता है। जनरली एग्जाम में आपको ये याद रखना है, बेसिक कस्टम ड्यूटी में लगता है जनरली। ठीक है, सोशल वेलफेयर चार्जेस एग्जाम में अगर कभी नहीं बोला तो भी लगा के आना, छोड़ मत देना सोशल वेलफेयर चार्जेस। कई बार इसके बारे में बोलता है, कई बार नहीं बोलता है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल टू क्या बोलता है, देखो गुड्स ऑफ 1 लाख हैज बीन इंपोर्टेड एंड एप्लीकेबल रेट ऑफ कस्टम ड्यूटीज 10%, बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% है, एंड कस्टम ड्यूटी वैल्यू शैल बी, देखो असेसेबल वैल्यू, याद है कल ही सिखाया था, असेसेबल वैल्यू वो होती है जिस वैल्यू पे अपन कस्टम ड्यूटी निकालते हैं। ठीक है, तो असेसेबल वैल्यू 1 लाख है, 1 लाख का बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% कितना हो गया? 10,000। दोनों को ऐड किए तो कितना आ गया? 1,10,000। पर सर सोशल वेलफेयर चार्जेस 10% ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी होता है, तो बेसिक कस्टम ड्यूटी कितनी थी? 10,000। इसका 10% कितना हो जाएगा? 1,000। तो हमारा टोटल ड्यूटी पेबल कितना आ जाएगा सर? एक तो ये 10,000 प्लस 1,000, टोटल 11,000। समझ आया? क्लियर हुआ? यस। हाँ जी वो दोनों है बोलो। 10% लगेगी। जल्दी आओ, कहाँ चले गए थे भाई? सर आपसे वही पूछे कि 10 मिनट टाइम है, तो आ जाए तो आया तो 20 मिनट में। नहीं सर, तो 5 मिनट में कट गया। अच्छा, ओ माय गॉड, 5 मिनट से कट गया था। कौन सी वाली घड़ी से? हाँ, 2 मिनट में तो क्लास चालू हुए हुए, 5 मिनट से कट कट कटा रहे, वेरी नाइस। मतलब फेंकने के बिना चरम और सीमा होती भाई, कम से कम फेंक ऐसा जो पकड़ा है ना। देखो सर, However, for the purpose of computing social welfare surcharge, following shall not be considered. मतलब ये सब चीजों को consider नहीं करना है। चलो एक काम करते हैं, मैचिंग मैचिंग खेलते हैं। पहले क्या हुआ? सेफगार्ड ड्यूटी, और सर टाइप ऑफ ड्यूटी पढ़ के है ना, सेफगार्ड ड्यूटी, इसको बाहर कर दो। ठीक है, अगला देखो क्या दिया हुआ, काउंटर वेलिंग ड्यूटी और सब्सिडाइज आर्टिकल, और सर ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी है, इसको बाहर कर दो। अगला देखो सर, एंटी डंपिंग ड्यूटी, आईजीएसटी और कंपनसेशन सेस। देखो सर, एंटी डंपिंग ड्यूटी, आईजीएसटी और कंपनसेशन सेस, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ सर इन दोनों पे सोशल वेलफेयर चार्जेस लगेगा? हाँ, ये ध्यान रखना सर, ये आपको याद रखना पड़ेगा सर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक कस्टम ड्यूटी वाला तो क्वेश्चन नीचे कर लिए, याद ही रहेगा, पर सर प्रोटेक्टिव ड्यूटी में भी क्या लग सकता है? सोशल वेलफेयर चार्जेस लग सकता है, वो क्वेश्चन में देगा तो देख लेंगे। ठीक है, चलो सर। सिमिलरली गवर्नमेंट इम्पोजेस सर्टेन चार्ज और सेस ऑन स्पेसिफिक गुड्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, एग्जांपल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये ठीक है, ये पॉइंट रिलेवेंट नहीं है। आओ, बेसिक कस्टम ड्यूटी सर, कस्टम बेसिक कस्टम ड्यूटी मतलब बेस लेवल की जो कस्टम ड्यूटी है वो लगाने के दो तरीके हैं,
बोला है कस्टम ड्यूटी लगाने में दो तरीके हैं सरकार में, यहाँ दो तरीके, एक होता है स्पेसिफिक और एक होता है एडवोरम। मतलब ये क्या होता है एडवोरम, सरकार बोली जब भी कभी परसेंटेज के बेसिस में टैक्स लगेगा तो वो एडवोरम है। बोला अच्छा, जो अभी अपन ऊपर क्वेश्चन किए जिसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% थी वो एडवोरम थी, बोले हाँ वेरी गुड समझ गया, तो एडवोरम ड्यूटी परसेंटेज के बेसिस में होती है। मैं बोला दूसरी जो आप स्पेसिफिक ड्यूटी बोले वो क्या होती है, सरकार बोली स्पेसिफिक ड्यूटी का एग्जाम्पल समझ, एग्जाम्पल समझो सर, मान लो कोई सिगरेट अपन लेके आए जो 10 रुपए की है, बाहर से इम्पोर्ट किए, तो सरकार ने बोला इसमें कस्टम ड्यूटी 1 रुपए लगेगी, समझ आया, 1 रुपए लगेगी। जब रुपए में बात हुई ना तो वो स्पेसिफिक ड्यूटी हो गई, और जब परसेंटेज पे बात हो गई ना तो वो एडवोरम ड्यूटी हो गई। दिमाग में बैठा, देखो ये दिया हुआ सर इम्पोर्ट फर्स्ट शेड्यूल के हिसाब से होता है, और फर्स्ट शेड्यूल में ये बोला सर एक्सपोर्ट तो सेकंड शेड्यूल है, हमें ध्यान ही नहीं देना अभी। तो ड्यूटी दो तरीके से चार्ज होगी सर, एक है स्पेसिफिक और एक है एडवोरम। समझ आया, बेटर दिमाग में क्लियर हुआ, ठीक है। उसके बाद देखो स्टैंडर्ड रेट एंड प्रेफरेंशियल रेट। मैं बोला ये क्या होता है स्टैंडर्ड रेट, सरकार बोली वो रेट होता है जो जहां से भी पूरे इंडिया लेवल पे कहीं से भी तू इम्पोर्ट कर गुड सब पे यही लगता है। बोला अच्छा, तो फिर प्रेफरेंशियल क्या होता है, सरकार बोली प्रेफरेंशियल वो होता है जिस स्टेट से इम्पोर्ट हो रहा है, हम अगर हमारे उससे टर्म्स अच्छे हैं, हमारी उससे बनती अच्छी है, तो हम क्या करते हैं कंसेशनल दे देते, कंसेशन कर देते, कंसेशन मतलब छूट दे देते। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो मैं यूएस से इम्पोर्ट कर रहा हूँ, चाइना से इम्पोर्ट कर रहा हूँ, श्रीलंका से इम्पोर्ट कर रहा हूँ, अब मान लो मेरी श्रीलंका से बहुत बनती है तो मैं बाकी सबसे 10% लेता हूँ, श्रीलंका को बोला मैं यार तेरे से इम्पोर्ट ड्यूटी, तेरे गुड्स पे इम्पोर्ट ड्यूटी 8% लगाऊंगा। दिस इज कॉल्ड प्रेफरेंशियल, जहां पर हम कोई कोई भी कंट्री को प्रेफरेंस देते हैं, ये तब देते हैं जब हमारे उससे टर्म्स अच्छे होते हैं, हर किसी को थोड़ी देंगे। चाइना में तो एक्स्ट्रा लगाते हैं, चाइना को तो देंगे ही नहीं सर, पर मेरे को कोई बोलेगा जापान तो मैं बोला जापान को दे सकते हैं सर प्रेफरेंशियल, क्योंकि उससे हमारे टर्म्स अच्छे हैं, रशिया से टर्म्स अच्छे हैं। समझ आ रही है मेरी बात, आओ आगे। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सर मैंने आपको पूरा जीएसटी पढ़ा दिया, और जीएसटी में मैंने आपको बताया था जब भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात होगी तो क्या आईजीएसटी लगेगा, यस सर हम उसे इंटर स्टेट मानते हैं, और इंटर स्टेट मान के क्या लगाते हैं आईजीएसटी। एक आदमी ने पूछा ठीक है आईजीएसटी लगाओगे पर किस वैल्यू पे लगाओगे ये तो बताओ, सरकार बोली अरे हो यार, सरकार बोली देख तू एक काम कर एसेसेबल वैल्यू ले ले, प्लस कर ले इसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी, प्लस कर ले सोशल वेलफेयर सरचार्ज, सॉरी हाँ सोशल वेलफेयर सरचार्ज, इसके बाद जो वैल्यू आएगी जितनी रुपए भी आएगी इस पे लगाएगा तू आईजीएसटी, जितनी वैल्यू भी आएगी उस पे लगाएगा आईजीएसटी। मैं बोले एग्जांपल दो, बोले 10 रुपए एक्सेसिबल वैल्यू, 1 रुपए बेसिक कस्टम ड्यूटी, मान ले 1 रुपए एक एग्जाम्पल है ना, 1 रुपए सोशल वेलफेयर चार्जेस, तो कितना हो गया 12 रुपए, इस 12 रुपए में लगेगा आईजीएसटी। समझ आया बेटा दिमाग में, चाहो तो एग्जाम्पल भी देख सकते हो। गुड्स ऑफ अनलेक हैज बीन इंपोर्टेड एंड द एप्लीकेबल रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी इज 10%, ऑन सच गुड्स एप्लीकेबल रेट ऑफ आईजीएसटी इज 18%। आपको बोल रहा है कंप्यूटेशन ऑफ ड्यूटी, तो सर देखो पहले तो 1 लाख ये हमारी एसेसेबल वैल्यू हो गई, क्लियर है, फिर लगेगा बेसिक कस्टम ड्यूटी कितना है 10%, 10,000, फिर हमारा होगा सोशल वेलफेयर सरचार्ज, और वो किसका परसेंट होता है बेसिक कस्टम ड्यूटी का 10% होता है, तो सर 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी का कितना आ जाएगा 1,000 रुपए, ठीक। उसके बाद ये पूरे को अपन ऐड कर लेंगे, ऐड करो ये कितना आ रहा है सर 1,11,000, अबे सॉरी 1,18,000 लिख दिया था सर, 1,11,000 आ गया, फिर 18 लिख रहा था, 1,11,000 आ गया, ठीक है। अब 1,11,000 में अपन क्या लगाएंगे आईजीएसटी, और आईजीएसटी का कितना परसेंट दिया हुआ है 18%, निकालो 18% कितना, अभी 980, समझ आया 19,980, क्लियर हुआ सबको पक्का, ये देख लो। तो टोटल ड्यूटी में क्या क्या आ जाएगा 10,000, 1,000 और 19,980, तीनों को ऐड करें तो 30,980, क्लियर हुआ ये सबको पक्का। देखो आगे देखो, वेयर द गुड्स डिपॉजिटेड इन अ वेयर हाउस, अभी मैं घर लेके नहीं गया हूं, कहां पर पड़ा है वेयर हाउस में पड़ा है, सोल्ड टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन और एक्सपोर्ट अंडर द सेड एक्ट,
गुड्स पड़ा हुआ था गोडाउन में, गोडाउन में पड़े पड़े मैंने घर नहीं लेके गया, गोडाउन में पड़े पड़े किसी दूसरे आदमी को बेच दिया, पहली चीज। और या तो फिर मैंने उसी गुड्स को गोडाउन में पड़े पड़े कहीं क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, घर लेके नहीं जा रहा। तो सर द वैल्यू ऑफ सच गुड फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द इंटीग्रेटेड टैक्स, मतलब IGST, IGST निकालने के लिए उसकी वैल्यू कितनी ली जाएगी, देखो वेयर होल ऑफ द गुड्स आर सोल्ड। अगर तुमने पूरे गुड्स सेल कर दिए तो सरकार बोली कितने में बेचा, मैं बोला 100 रुपए में। सरकार बोली तूने पहले वैल्यू कितनी कितनी वैल्यू में इंपोर्ट किया था, मैं बोला 80 रुपए। सरकार बोली दोनों में बेचा वरिज हायर, कितना हो गया 100 रुपए जितने में मैंने बेचा। समझ आया, 80 रुपए में इंपोर्ट किया था, 100 रुपए में बेच दिया, तो दोनों में बेचा वरिज हायर, तो सरकार बोली हायर 100 रुपए। मैं बोला अच्छा सुनो वेयर एनी पार्ट ऑफ द गुड्स इज सोल्ड, सरकार बोली फिर प्रोपोर्शनेट करेंगे, जितना गुड्स तूने बेचा है उस गुड्स की वैल्यू, उतने गुड्स को तूने कितने में बेचा। मान लो जैसे मैंने 50% ही गुड्स सेल किया, पूरे गुड्स सेल ही नहीं किए, और 50% गुड्स सेल किए वो 50 में सेल किए और उनको लाने की कॉस्टिंग 40 थी, तो सरकार बोली अभी भी बेचा वरिज हायर चलेगा, तो हायर क्या हो जाएगा 50, पूरा गुड्स नहीं बेचा है मैंने, अब जो नहीं बिका उस पर ड्यूटी क्यों दूंगा, पागल हूं, अभी तो वेयर हाउस में पड़ा है, ना घर लेके गया हूं ना बेच रहा हूं, कस्टम ड्यूटी दूंगा ही नहीं। कस्टम ड्यूटी देने की बात तब आती है जब मैं उसको घर लेके जाता, वो तो वेयर हाउस में पड़ा हुआ है। समझ आ रहा है, मैं सरकार को बोलूंगा जाके चेक कर लो, आपके तो वेयर हाउस जाके चेक कर लो। हाउएवर वेयर द होल ऑफ द वेयर ऑफ गुड्स और एनी पार्ट ऑफ द गुड्स आर सोल्ड मोर देन वंस, मोर देन वंस समझते हो, एक से ज्यादा बार बेच दिया, सरकार बोली मतलब, मैं बोला सुनो मेरे पास 100 गुड्स पे, 100 गुड्स में सर मैंने बोला देखो 20 गुड्स को बेचा 80 रुपए में, फिर बचे 20 और को बेचा 100 रुपए में। सरकार बोली अच्छा, तो फिर सरकार बोली देख ट्रांजेक्शन वैल्यू द लास्ट ट्रांजेक्शन शैल बी द ट्रांजेक्शन वैल्यू, मतलब सरकार बोली कस्टम के लिए वैल्यू जो बाद वाला ट्रांजेक्शन हुआ होगा ना वो वाली वैल्यू ले लेंगे सारे गुड्स के लिए, ऊपर जो 20 बचा उसके लिए भी 100। हाँ मैं बोला ऐसा क्यों नहीं, इसके ये तो बिक गया इसको छोड़ दो, बच्चा जो 80 बच्चा जो 60 अभी और पड़ा है ना सर, ये 60 के लिए वैल्यू कितनी ले लेंगे। मैं बोला ऐसा क्यों, सरकार बोली सुन अगर तू गुड्स किसी और को सेल कर रहे है और जब तू दोबारा किसी और को सेल कर रहे है तो उसकी वैल्यू देख बड़े बड़े इंक्रीज हो गई है भाई। आज गुड्स जब मैं मंगा के लेके आया था तो 60 में लाया था, पहली बार बेचा 80 में, अगली बार बेचा 100 में, आपको नहीं लगता ये गुड्स की बड़े बड़े वैल्यू बढ़ गई है वेयर हाउस में। सरकार बोली देख अगर वैल्यू तेरी बढ़ी, अगर फायदा तेरे को हो रहा है तो टैक्स तो हमारा भी बनता है, हम ही टैक्स लेंगे। समझ आया, इसलिए कोई भी इंसान गुड्स को तुरंत के तुरंत लेके जाने की कोशिश करता है क्योंकि पड़ा रहा बड़े बड़े वैल्यू बढ़ गई, कल के दिन लेके गए तो मर गए ना, ज्यादा टैक्स पे करना पड़ जाएगा ना। समझ आया, 70 रुपया हो गया तो वो काम में देना पड़ेगा। हाँ, अगला देखो जीएसटी कंपनसेशन। बोला ये क्या होता है, पहली बात तो ये समझो क्या जीएसटी आने के बाद पुराने टैक्स खत्म हो गए, हुए ना। अब पुराने टैक्स क्या होता था, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी, कुछ स्टेट गवर्नमेंट लेती थी। जैसे एक एग्जांपल है वेट, वेट वो करता था वो स्टेट गवर्नमेंट लेती थी, उसमें सेंट्रल नहीं लेती थी। अब जीएसटी आने के बाद वेट हट गया तो स्टेट गवर्नमेंट बोली वाह तुम जीएसटी लेके आए हमारा वैट हट गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोली पागल दो टैक्स लगता है ना सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो एसजीएसटी में तो तू भी लेके जा रहा है। बोले नहीं नहीं आप बात नहीं समझ रहे हो, जब हम वैट लेते थे तो 14% लेते थे, अब हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी बोल रहे हो तो एसजीएसटी में हमें सिर्फ 9% मिलता है, हमारा तो नुकसान हो गया ना 5% का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोली सुन कोई बात नहीं ये नुकसान की भरपाई हम करते हैं, ये नुकसान की भरपाई हम करेंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। देखो सर GST compensation says shall be charged on the luxury products, high-end cars and demerit goods like paan masala, tobacco, aerated drinks for a period of 5 years in order to compensate state for the loss of revenue. State government को जो loss हो रही है वो revenue compensate करने के लिए। तो मैं बोला सुनो पान मसाला में GST भी लगेगा और पान मसाला में पुराना tax भी लगेगा। सरकार बोली ना कौन है ये बदतमीज, इधर ध्यान दो। तो सिंपल सी बात है, पान मसाला पे मैं सरकार से पूछा क्या दोनों टैक्स लगाओगे,
आप जीएसटी भी लगाओगे और पुराना वाला टैक्स भी लगाओगे, क्या लगता है दोनों लगेगा कि एक लगेगा? सोचो, पता है इनमें दोनों टैक्स लगते हैं, इसीलिए टबैको और टबैको प्रोडक्ट्स इतने महंगे होते जा रहे हैं, क्योंकि इस पे जीएसटी भी है और पुराना टैक्स भी है, ये दोनों के दोनों है। समझ आया, बैठा दिमाग में, क्लियर हुआ ये सबको? ठीक है, और सरकार इतनी स्मार्ट है, देखो कोई आदमी ये जो टबैको और पान मसाला कंज्यूम करता है ये तो रुकेगा नहीं, टबैको और पान मसाला ये रुकेगा नहीं कंज्यूम करने से, तो सरकार बोलती सिंपल सी बात है तू कंज्यूम कर, तेरे से जो हमारी एक्स्ट्रा रिकवरी हो जाएगी इसी से हम स्टेट गवर्नमेंट को कंपनसेट कर देंगे। एक नंबर चल रहा है, समझ आ रहा है, बैठा दिमाग में। Any article which is imported into India shall in addition be liable to the GST compensation at such rate that is levable under GST compensation act 2017 on like article on its supply in India. आ गया, क्या बोल रहे हैं? When such is levable at any percentage of its value, the value of the imported article shall be aggregative of, मतलब हमें GST compensation सेस लगाना है तो किस वैल्यू पे लगाएंगे, ये आपको वैल्यू बताने वाला है, ध्यान दो सर, किस वैल्यू पे लगाएंगे? पहले है वैल्यू ऑफ आर्टिकल इंपोर्टेड, जो इंपोर्टेड आर्टिकल है जिस वैल्यू पे आपने इंपोर्ट किया। दूसरा, उसमें आप क्या ऐड कर दोगे? बेसिक कस्टम ड्यूटी, और बेसिक के साथ क्या क्या चलता है? सोशल वेलफेयर सरचार्ज साथ में चलता है। एनी सर चार्जेबल ऑन एनी आर्टिकल अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इनफोर्स As in addition to the same manner as custom duty like anti-dumping duty, safeguard duty etc. But does not include IGST. मैं आपको बताता हूँ, सब चीज ऐड होगी, सब चीज ऐड होगी, सिर्फ एक को छोड़ के IGST। तो कोई मेरे से पूछेगा सर हम कैसे याद रखें, मैं बोलूंगा सुन भाई, अगर तेरे को जीएसटी, ये जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाना है तो एक बात दिमाग में बैठा ले, तू इसको बस ऐड मत करना, इसके अलावा बाकी सब ऐड होगा और जो वैल्यू आएगी उस पर लगेगा सर जीएसटी कंपनसेशन सेस। मतलब मान ले 10 रुपए का गुड्स था, बेसिक कस्टम ड्यूटी एक थी, ठीक है, सोशल वेलफेयर चार्जेस एक था, फिर सेफगार्ड ड्यूटी एक थी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी एक थी, एंटी डंपिंग ड्यूटी एक थी, ये सब ऐड कर ले, कितना हो गया 3 और 2 5, ये हो गया 15, और इस 15 में लगेगा जीएसटी कंपनसेशन सेस। मैं बोला जीएसटी ऐड नहीं होगा आईजीएसटी, सरकार बोली नहीं नहीं आईजीएसटी ऐड नहीं होगा। समझ आया, शॉर्ट सिंपल याद रखना, उसको याद रखने का रिवर्स तरीका रखो, आईजीएसटी ऐड नहीं होगा, बाकी सभी ऐड होगा, ठीक है, याद रखना है, इसमें सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी है। आओ, क्वेश्चन देखो, देखते ना, गुड्स ऑफ 1 लाख हैज बीन इंपोर्टेड एंड द एप्लीकेबल रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी इज 10%, ठीक है, तो आप समझ रहे हो क्या कहानी होने वाली है सर, एसेसेबल वैल्यू है 1 लाख रुपए, बेसिक कस्टम ड्यूटी 10%, 10% है ना, हाँ 10,000, अब सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी है 10% ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी, तो ये 1,000 हो जाएगा, ठीक, ये ऐड करो कितना आ रहा है, अब इस वैल्यू पे हम क्या लगाते हैं आईजीएसटी, आईजीएसटी का परसेंटेज दिया है क्या क्वेश्चन, हाँ दिया है ना 18%, और तो 18% इसका कितना निकाले थे आप लोग अभी, 1980 था क्या, 1980, अब यहां पर सर जीएसटी कंपनसेशन सेस भी दिया हुआ है और 28% दिया हुआ है, सर 28% किसका लगाएंगे, लगाओ कितना आ रहा है बताओ मेरे को, सॉरी 31080 ऐड करो पूरा कितना आ रहा है, ये ड्यूटी बता रहे हो, ये पूरा ऐड करके बता रहे हो, 1602 भाई सुनो, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी,
ये चार ऐड करके बताओ कितना आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस जी, 620 ये इसकी कस्टम ड्यूटी आई है, क्लियर हुआ? अगर इस क्वेश्चन में तो बोला नहीं है, अगर इनके आगे क्वेश्चन में कोई बोल दे कि सर वैल्यू ऑफ गुड्स कितना है, तो आप सबको ऐड करो, पूरे को ऐड करो, करो कितना आ रहा है, 11 वैल्यू, ये फाइनल वैल्यू तो गुड्स आ जाएगा, ये हमारी कस्टम ड्यूटी थी, समझ आई बात, क्लियर हुआ सबको, पढ़ सकते हैं आगे, अदर कस्टम ड्यूटी, सबसे पहले देखो प्रोटेक्टिव ड्यूटी, थोड़ा नाम से क्लियर नहीं हो रहा, प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्ट कर रही होगी किसको, इंडिया को, किससे, बाहर पता है रितेश तेरे कारण मेरे बैकग्राउंड में ना गाना चलने लग गया वापस, पता है कौन सा गाना, हाँ वो भी समझ गए, भगवान है कहाँ रे तू, चल देख नलायक गधे, प्रोटेक्टिव ड्यूटी देखो, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एनी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश इन इंडिया, सर हम इंडिया की इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में इम्पोज प्रोटेक्टिव ड्यूटी ऑन गुड्स इम्पोर्टेड इन टू इंडिया, पॉइंट देखो, गवर्नमेंट इम्पोजेस सर ड्यूटी ऑन रिकमेंडेशन बाय द टैरिफ कमीशन, ये पॉइंट ना भी याद रखो चलेगा, द ड्यूटी इज इफेक्टिव ओनली एंड इंक्लूसिव ऑफ द डेट, ये भी ना भी पढ़ो तो चल जाएगा, अगला दिया हुआ है सेफगार्ड ड्यूटी, आपको पता होना चाहिए सर प्रोटेक्टिव ड्यूटी क्या होती है, सर इंडिया में जो इंडस्ट्रीज है जो बाहर से गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया की इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हम ड्यूटी लगाते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव ड्यूटी, अगला दिया हुआ है सेफगार्ड ड्यूटी, ये हम चाइना के ऊपर लगाते हैं, पता है आपको, मैं जब पहले भी पढ़ा रहा था ना तब भी एक चीज सिखाया था कि अगर चाइना के गुड्स हम इम्पोर्ट किए और अगर उसके ऊपर ना ये सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगाएंगे तो जो चाइना के फोन आपको 10,000-12,000-15,000 के मिलते हैं ये आपको मिल जाएंगे करीब करीब 5,000-6,000, चाइना का 3,500 वाला फोन आपको 500 रुपये मिल जाएगा अगर ये सेफगार्ड ड्यूटी ना लगाए, समझ आ रहा है, हम सेव करना चाहते हैं किसको, अपने आप को, अपनी इंडस्ट्रीज को सेव करना चाहते हैं कि इंडिया की मोबाइल की इंडस्ट्री डैमेज ना हो जाए, देखो सर कंडीशन टू इंपोज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सैटिस्फाइड देन आर्टिकल इंपोर्टेड इन इंडिया इन इंक्रीज क्वांटिटी, चाइना तो क्या करता है अपना माल पूरा का पूरा इंडिया में क्या करता है डंप करता है, एंड सच आर्टिकल इज इंपोर्टेड सो एज टू कॉज और थ्रेटन टू कॉज सीरियस इंजरी टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, अब सर चाइना के प्रोडक्ट अगर एकदम अति में सस्ते रेट में आएंगे तो सर इंडिया के प्रोडक्ट बिकेंगे नहीं ना सर, हमारी इंडस्ट्री का नुकसान है ना, तभी ये लगाया जाता है, देन इट मे अपील सच सेफगार्ड मेजर्स ऑन दैट आर्टिकल एज इट डेम्स एप्रोप्रिएट, देखो टेक्स्ट पॉइंट, द सेफगार्ड मेजर शैल इंक्लूड इम्पोजिशन ऑफ सेफगार्ड ड्यूटी एप्लीकेशन ऑफ टैरिफ रेट कोटा और सच अदर मेजर एज सेंट्रल गवर्नमेंट मे थिंक एप्रोप्रिएट टू कर्व द इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्ट ऑफ एन आर्टिकल टू प्रिवेंट सीरियस इंजरीज टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, आसान भाषा में सिंपल सी बात है सर, अगर अगर हम सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगाएंगे तो चाइना क्या करेगा अपना ज्यादा से दाम माल इंडिया में बेचेगा, उसके माल ज्यादा बिकेंगे तो इंडिया के प्रोडक्ट्स बिकेंगे नहीं सर, उससे नुकसान किसको, इंडिया को, इंडिया की इंडस्ट्रीज बंद रहेगी सर, इसीलिए लगाया जाता है, इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सैटिस्फाइड देन सेफगार्ड ड्यूटी शैल नॉट बी इम्पोज, हम ये इम्पोज नहीं करेंगे अगर ये कंडीशन सैटिस्फाइड है, देखो सर सच आर्टिकल इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ डेवलपिंग कंट्रीज और कंट्री, सर क्या चाइना डेवलपिंग स्टेट में, हाँ सर चाइना भी डेवलपिंग स्टेट में, एग्रीगेट इम्पोर्ट सर एंड है दोनों कंडीशन देखेंगे, एग्रीगेट इम्पोर्ट फ्रॉम कंट्री और कंट्री शैल नॉट एक्सीड, मतलब कितना इम्पोर्ट हो रहा है उस आर्टिकल का, वेयर द आर्टिकल इज ओरिएंटेड फ्रॉम वन डेवलपिंग कंट्री, अगर सिर्फ चाइना से आ रहा है तो कितना इम्पोर्ट होना चाहिए, टोटल इम्पोर्ट का सिर्फ 3% है, मतलब अगर आप 100 रुपए का इम्पोर्ट कर रहे हो तो उसमें सिर्फ 3 रुपए का चाइना का, तो सरकार बोलती कोई दिक्कत नहीं यार इतना दर्द तो हम सह लेंगे कि 3% है, अब आप समझो ना सर 100 रुपए का इम्पोर्ट करो पूरा 100 रुपए का चाइना का, आपको नहीं लगता हमारी बैंड बच जाएगी सर वैसे में, समझ आ रहा है, आगे देखो Where the article is originating from more than one developing country. Sir, more than one developing क्यों बोला? क्योंकि सर ऐसा थोड़ी कि सिर्फ चाइना ही डेवलपिंग में है और भी कंट्रीज है डेवलपिंग में, तो सरकार बोला अगर आप ज्यादा डेवलपिंग कंट्री से मंगा रहे हो
तो मैक्सिमम कितना मंगा सकते हो, 9% तक आप मंगा सकते हो आपके टोटल इंपोर्ट का, उससे ज्यादा नहीं मंगा सकते। मैं बोला मंगा लिया तो सरकार बोली अगर तूने मंगाया तो हम सेफ गार्ड ड्यूटी लगा देंगे। समझ आया, बैठा दिमाग में? अगला देखो, हाउएवर द सेंट्रल गवर्नमेंट मे एक्सेप्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि अगर कोई चीजों को एक्सेप्ट करना है तो वो कर सकती है, मे एक्सेप्ट सच क्वांटिटी ऑफ एनी आर्टिकल वेर इंपोर्टेड फ्रॉम एनी कंट्री और टेरिटरी इनटू इंडिया फ्रॉम पेमेंट ऑफ होल और पार्ट ऑफ द सेफ गार्ड ड्यूटी लेवियबल दे रहे हो, गवर्नमेंट चाहे तो एक्सेप्ट कर सकती है, ठीक है। The tariff rate quota is used as a safeguard measure. The central government not fix such quota lower than the average level of import in the last three representative years for which statistics are available, unless a different level is deemed necessary to prevent or remedy serious injury. समझो सर ये क्या बोलना चाह रहे हैं, ये बोलना चाह रहे हैं सर, central government, अब safeguard duty लगाना तो है पर कितनी, सरकार बोली हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे लास्ट तीन साल का इम्पोर्ट कैसा था, क्या था, उसके बेसिस में डिसाइड करेंगे कि सेफगार्ड ड्यूटी कितनी होना चाहिए। सर मान लो लास्ट तीन साल का डाटा आपके पास अवेलेबल नहीं है या जो डाटा है वो इस बार काम का नहीं है, तो सरकार बोलती कल के दिन आप चाहो तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर जो पुराने डाटा उससे सही सेफगार्ड ड्यूटी नहीं निकलेगी या नहीं लग पाएगी, तो सरकार बोली उस केस में हम अपने तरीके से भी सेफगार्ड ड्यूटी निकाल के लगा सकते हैं। समझ आ रहा है, the central government may allocate such tariff rate quota to apply to supplying countries having a substantial interest in supplying the article concerned in such manner as may be provided by the rules. provisional safeguard duty, provisional word ka matlab kya hota hai sir, provisions bolte hai na sir, provisional real basis nahi hua hai abhi, provisional baat hai sir. the central government may pending the determination of the safeguard measures, matlab hume safeguard duty lagana hai, अब कितनी लगा रहा है समझ नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट कंप्यूट करके दे नहीं रही है तो मैं लगाऊंगा कैसे, अप्लाई प्रोविजनल सेफगार्ड ड्यूटी ऑन द बेसिस ऑफ प्रिलिमिनरी डिटरमिनेशन दैट इंक्रीज इंपोर्ट हैज कॉज्ड और थ्रेटन्ड टू कॉज सीरियस इंजरी टू अवर डोमेस्टिक इंडस्ट्री। ये बोल रहे सर हम क्या करेंगे, प्रोविजनल बेसिस में सेफगार्ड ड्यूटी लगवा देंगे। मैं बोला कितनी, सरकार बोली देखो ये जो कितनी वाली बात है ना सर, ये सरकार अपने मन से करती है प्रोविजनल। सर मान लो अगर हमने ज्यादा ड्यूटी पे कर दिया होगा तो सरकार रिफंड करेगी ना सर, करेगी ना, और कम ड्यूटी पे किया होगा तो मेरी गलती थोड़ी क्या है, वो प्रोफेशनल बताए मैं खुद से कम थोड़ी पे क्यों। देखो हाउएवर एनी प्रोविजनल सेफगार्ड ड्यूटी शैल नॉट बी रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन 200 डेज फ्रॉम डेट व्हेन इट हैज बीन अप्लाइड, मतलब सरकार ये बोल रही है सर कि 200 दिन उससे ज्यादा आप प्रोविजनल नहीं रख सकते। मतलब सरकार बोली 200 दिन में तो ढूंढ ले कितनी सेफगार्ड ड्यूटी लगनी चाहिए थी, ताले अगर 200 दिन में भी नहीं ढूंढ पा रहा है तो तू काम चो निकम्मा है। मैं बोला अच्छा चलो 200 दिन में अगर नहीं ढूंढ पाया तो सरकार बोली उस केस पे सेफगार्ड ड्यूटी लगेगी ही नहीं, 200 दिन के अंदर तो ढूंढना पड़ेगा ना सर प्रोविजनल। जैसे मान लो मैंने प्रोविजनल 100 रुपए लगा दिया, अब मेरे को चेक करना पड़ेगा ना कि वाकई में 200 रुपए जो लगा रहा हूं वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। समझ आया, तो कोई भी पूछे एग्जाम के लिए कितना ध्यान रखने वाली बात, एग्जाम के लिए इतना ध्यान रखने वाली बात कि प्रोविजनल सेफगार्ड ड्यूटी मैक्सिमम कितने पीरियड के लिए लगी, 200, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया सर अगर आपने ज्यादा पे कर दिया तो आपको क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। ड्यूरेशन ऑफ इम्पोजिशन, सर सेफगार्ड ड्यूटी कितने साल के लिए लगाते, उसको एक्सटेंड कितने साल तक कर सकते हैं, 10। एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट आता है, एमसीक्यू में आता है। सेफगार्ड ड्यूटी और प्रोविजनल सेफगार्ड ड्यूटी शैल नॉट अप्लाई टू आर्टिकल इंपोर्टेड बाय 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट और एन एससीजेड। बोला ऐसा क्यों, सरकार बोली गधे, इंडिया में अगर कोई इंडस्ट्री चाइना से इंपोर्ट कर रही है और चाइना से इंपोर्ट करके कल यही चीज को अपन यूएस में बेचने वाले तो सरकार बोली इसमें इंडिया का क्या नुकसान है, इसमें हमारे इंडिया का क्या नुकसान है, हम क्यों लगाएंगे सेफगार्ड ड्यूटी। सेफगार्ड ड्यूटी तो तब लगाते जब हमारे इंडिया की इंडस्ट्री को हार्म होता है, यहाँ पर इंडिया की इंडस्ट्री को थोड़ी काम होगा सर, वो तो गुड्स इंडिया में यूज ही नहीं हुआ तो किस बात का हमें हार्म, और अगर हमें हार्म नहीं होता तो सरकार बोलती हम सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगाएंगे, कॉमन सेंस से लगाना भी नहीं चाहिए सर। समझ आ रहा है, बैठा दिमाग में। और यूनिट इन एससीजेड, एससीजेड क्यों सर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यहाँ से भी गुड्स के एक्सपोर्ट ही होते हैं, यस अनलेस इट इज स्पेसिफिकली मेड अवेलेबल इन सच नोटिफिकेशन और टू सच अंडरटेकिंग और यूनिट और सच आर्टिकल इज आइदर क्लियर्ड एज सच इनटू अ डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। देखो देखो देखो, अगर आप इंडिया के अंदर बेचे तो सरकार बोली सुनना भाई, जो सेफगार्ड ड्यूटी हम पहले नहीं लगाने वाले थे ना आप लगाएंगे सर,
तेरे को बोला कौन था इंडिया में बेचने, मैं बोला अरे एक्स्ट्रा माल पड़ा था, सोचा इंडिया में बेच देता हूँ। सरकार बोली सोच नहीं पाता, वो अगर बाहर बेचता तो हम तेरे को कुछ नहीं बोलते, तो इंडिया में बेचा मतलब इंडिया की इंडस्ट्री को हार्म होगा, और अगर इंडिया की इंडस्ट्री को हार्म होगा तो हम सेफ गार्ड ड्यूटी लगाएंगे। समझ आया? द सेफ गार्ड ड्यूटी इज अ प्रोडक्ट स्पेसिफिक, एग्जाम में आता है। सेफ गार्ड ड्यूटी इज अ प्रोडक्ट स्पेसिफिक। मैंने तो सीएस के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, मैंने देखा है कस्टम के कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। ये 5, 10, 4, और 10 वाला आता है, ठीक है। ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक वाला क्वेश्चन है सर। सेफ गार्ड ड्यूटी इज अ प्रोडक्ट स्पेसिफिक एंड इज इन एंड इट इज इन एडिशन टू एनी अदर ड्यूटी इम्पोज अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द ड्राइविंग इनफोर्स। प्रोडक्ट स्पेसिफिक है सर। मैं बोला नहीं समझ आ रहा है, क्या प्रोडक्ट स्पेसिफिक बोल रहे हो? सरकार बोली सुन, मान ले तूने चाइना से रिमोट भी इम्पोर्ट किया और ये पेन भी इम्पोर्ट किया। अब सरकार बोली ये रिमोट जो तूने इम्पोर्ट किया चाइना से, इससे जो इंडिया में रिमोट बन रहे वो महंगे हैं, और इसके कारण इंडिया में जो रिमोट बनाने वाली कंपनियां वो सब बंद हो जाएगी, तो हम सेफ गार्ड ड्यूटी सिर्फ रिमोट वाले पे लगाएंगे। ये जो तूने पेन इम्पोर्ट किया ना चाइना की, इसमें हम इम्पोर्ट ड्यूटी सेफ गार्ड ड्यूटी नहीं लगाएंगे, क्योंकि इससे इंडिया को कोई नुकसान नहीं है। ये तू 3 रुपए में इम्पोर्ट कर रहा है और इंडिया में 2 रुपए में लिखो पे को मिल जाती है। सरकार बोली नहीं लगाते हम सेफ गार्ड ड्यूटी, पर साला ये रिमोट तू 60 रुपए में लेके आया और इंडिया में 100 रुपए में मिल रहा है, साला दिक्कत है यार, नुकसान हो जाएगा। तेरा 60 का 90 ले आते हैं तो 90 और 100 और हम 10 रुपए की उनको सब्सिडी दे देते इंडियन को, हो गई बराबरी की बात। अब लड़ेंगे बराबरी में, समझ आया? प्रोडक्ट स्पेसिफिक। अगला देखो, डेवलपिंग कंट्री मीन्स अ कंट्री। अरे बकवास, डेवलपिंग कंट्री कौन सी होती है, कभी नहीं आएगा एग्जाम। लिख देना इंडिया, ठीक है। डोमेस्टिक इंडस्ट्री मीन्स द प्रोड्यूसर्स। डोमेस्टिक इंडस्ट्री कौन होती है सर, जिसका मेन काम प्रोडक्शन का, कहां पर होगा? इंडिया में। कोई चीज दी हुई है, सीरियस इंजरी ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं। अगला देखो सर, काउंटर बिलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल। ये और मजेदार है। चाइना क्या करते पता है? चाइना ने जो चाइना की इंडस्ट्रीज है उनको बोला सुनो, अगर ये रिमोट तुम बना के इंडिया में बेचोगे ना तो हम तुम्हें सब्सिडी देंगे। तो चाइना का जो इंडस्ट्री वाला था वो बोला भैया मेरी तो कॉस्ट वैसे भी 60 ही रुपए। बोले चाइना गवर्नमेंट बोली हम 20 रुपए की और सब्सिडी देंगे। मैं बोला ऐसा क्यों? बोले देख तेरा रिमोट 40 रुपए का हो जाएगा और इंडिया में 100 रुपए का मिल रहा है, तो कोई भी आदमी 40 रुपए का रिमोट तेरा लेना पसंद करेगा, क्योंकि वो तो यही सोचेगा ना यार खराब भी हो गया तो साल में 2 बार हो जाएगा 100 रुपए में, तो समझ आ रहा है? तो सब्सिडी दे रहे सर, और वो सब्सिडी जानबूझ के इसलिए दे रहे सर क्योंकि हमारे इंडिया के मार्केट की बैड बजाना चाहते हैं, उनका आर्टिकल सस्ता हो जाए और हमारी चीजों की बैड बज जाए। गवर्नमेंट बोली ऐसा तो नहीं चलेगा। एनी कंट्री और टेरिटरी पेस और बेस्ट चोज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी सब्सिडी अपॉन द मैन्युफैक्चरर और प्रोडक्शन और एक्सपोर्टेशन देयर फ्रॉम ऑफ एनी आर्टिकल इंक्लूडिंग एनी सब्सिडी और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सच आर्टिकल। सच आर्टिकल इज इम्पोर्टेड इन इंडिया, चाहे डायरेक्टली आए चाहे इनडायरेक्टली आए। आर्टिकल इज इम्पोर्टेड इन द सेम कंडीशन एज व्हेन एक्सपोर्टेड फ्रॉम द कंट्री ऑफ द मैन्युफैक्चरर और प्रोडक्शन और एक्सचेंज इन द कंडीशन ऑफ मैन्युफैक्चरर प्रोडक्शन और अदरवाइज। सिंपल सी बात, इतना ही याद रखना सर कि हम क्यों दे रहे हैं। सिंपल सी बात है सर, सामने वाला जो हमें बेच रहा होगा, हम इम्पोर्ट कर रहे हैं वो बेच रहा होगा, उसने उसमें क्या दी होगी? सब्सिडी दी होगी। सब्सिडी देने के कारण उसकी कॉस्ट कम हो गई होगी, उसके कारण हमें नुकसान हो रहा होगा। तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं भाई ये तुम सब्सिडी जानबूझ के इसलिए दे रहे हो ताकि इंडिया का मार्केट डिस्ट्रॉय कर दो। सरकार बोली ये तो नहीं चलेगा। मैं बोला आप ये काउंटर बिलिंग ड्यूटी कितनी लगाओगे? सरकार बोली ये काउंटर बिलिंग ड्यूटी ना जितने की तेरे को वहां से सब्सिडी मिली है उतने की लगाएंगे। मैं बोला सब्सिडी तो 20 रुपए की मिली थी। सरकार बोली 20 रुपए काउंटर बिलिंग ड्यूटी। समझ आया? मैं बोला अच्छा ये सब में लगेगा? सरकार बोली बकवास कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट में सब्सिडी मिली होगी उसी में तो लगाएंगे, अभी पेन में नहीं मिली तो क्यों लगाएंगे, जिसमें मिलेगा उसी में लगाएंगे। देखो ड्यूरेशन कितने साल है? 5 साल। जिसको फर्दर कितने साल एक्सटेंड कर सकते हैं? 5 साल। समझ आया? टोटल 10 साल। टोटल 10 साल का कहानी है। काउंटर वेलिंग ड्यूटी में
continue to remain in force pending the outcome of such review for a further period of not exceeding 1 year. Further, if the said duty is revoked temporarily, the period of revocation shall not be exceed 1 year at a time. समझाता हूँ मैं आपको, आराम से समझो. सर मैंने सामने वाले के ऊपर काउंटर बेलिंग ड्यूटी लगा दी सब्सिडी वाली 5 साल के लिए. अब 5 साल खत्म होने वाला था, अब दिक्कत है. गवर्नमेंट बोल रही है आगे 5 साल लगाए कि नहीं लगाए, हमें समझ नहीं आ रहा है. बोला तुम्हारी इच्छा, गवर्नमेंट बोली वही तो समझ नहीं आ रहा है लगाए कि नहीं लगाए. भाई तू रिमोट दे रहा है 60 रुपए में, 60 रुपए का तूने सब्सिडी में 40 कर दिया. अब यार इंडिया में एक स्टार्टअप आया जो 30 रुपए में बेचना चालू कर दिया, या वो भी रिमोट 40 में बेच रहे हैं, अब लगाए कि नहीं लगाए. तो सरकार बोलते है सुनो ये जो लगाए नहीं लगाए वाली बात है आपको सोचना है ना, इसके लिए आपके पास मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना है, 1 ईयर. और जब तक आप ये सोचोगे ना तब तक ये जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल है ये रिवोक हो जाएगी, ये ड्यूटी नहीं लगेगी सर, क्योंकि बेसिकली वैसे ही मेरा 5 साल खत्म होने वाला था. आपको सोचना है तो जल्दी सोचो ना सर, मना कौन कर रहा है, लगाना है तो लगाओ, मना नहीं कर रहे, बट अटका नहीं सकते ना सर. सच काउंटर वेलिंग ड्यूटीज इन एडिशन ये पढ़ने की जरूरत नहीं है. सब्सिडी शैल बी डीम टू एग्जिस्ट इफ सब्सिडी कम मानी जाएगी. यार एकदम कॉमन सेंस की बात है, जब भी हमें गवर्नमेंट से मिलेगी कोई चीज जिससे हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है क्या उसी को सब्सिडी बोलते हैं? उसी को तो बोलते हैं ना, पढ़ते देखो वही लिखा हुआ है. A subsidy shall be deemed to exist if there is a financial contribution by the government or any public body in the exporting or producing country or territory that is financial contribution. Paisa. Financial contribution matlab paisa. Where a government practice involves a direct transfer of fund. Government directly aapko paise deti, grant, loan. Ye sab directly paisa pahuncha rahi hai aapke haath mein. Dusra. सर जहां पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, ड्यू इज फॉरगॉन और नॉट कलेक्टेड. तेरे सब कुछ पैसा लेने का बनता है और गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो पैसा माफ कर दे रही है. अब वो पैसा माफ करने के कारण क्या होगा, तेरा आर्टिकल जो है, तेरी जो चीजें क्या हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी. अगला, वेयर द गवर्नमेंट प्रोवाइड गुड्स और सर्विसेज अदर देन जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर और परचेज गुड्स. गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड कर रही है आपको, खुद ही गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है. आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं होने के कारण सर वो खुद ही गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है कम से कम रेट में. जैसे गवर्नमेंट क्या कर रही है, कोयला खुद प्रोवाइड कर दिया आपको कम से कम रेट में. अब उससे क्या हुआ सर, आप ही का प्रोडक्ट सस्ता हो गया, तो बेसिकली इनडायरेक्टली सब्सिडी हो गई ना सर. गवर्नमेंट मेक्स पेमेंट टू अ फंडिंग मैकेनिज्म और इंटरेस्ट और डायरेक्ट अ प्राइवेट बॉडी टू कैरी आउट वन और मोर टाइप ऑफ फंक्शन स्पेसिफाइड इन 1, 2, 3 अबव विच वुड नॉर्मली बी वेस्टेड इन द गवर्नमेंट एंड द प्रैक्टिस इज नो रियल सेंस डिफर्स फ्रॉम प्रैक्टिस नॉर्मली फॉलोड बाय द गवर्नमेंट. क्या बोलना चाह रहे हैं, तेरा लोन लिया हुआ था फंडिंग इंस्टीट्यूशन से, तेरा लोन लिया हुआ था, गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको खुद डायरेक्टली पैसे दे दिए. अब उनको गवर्नमेंट तेरे बदले लोन रिपे करेगी, तो क्या तेरा जो लोन था वो रिपे हो गया? यस सर. तो क्या कल के दिन तेरा प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा? हाँ, वही तो लिखा हुआ. समझ आया? अगला दिया हुआ गवर्नमेंट ग्रांट्स. गवर्नमेंट ग्रांट समझते हो, गवर्नमेंट ग्रांट देती है, डोनेशन देती है, भीख or maintain any form of income or price support which operate directly or indirectly to increase export of any article. Government जानबूझ के आपको grant, subsidy, छूट दे रही है ताकि ये सब चीजों का article का क्या हो, export बढ़ जाए और China पैसा कमा सके. ये China करता है, बहुत करता, बहुत करता. आगे देखो, where the central government on such subsidy as it considered necessary is of the opinion that circumvention, circumvention word का मतलब उसके आसपास घूमने वाली चीजें जो घूमती है, अराउंड होती है सर, ऑफ इम्पोजिंग काउंटर वैली ड्यूटी हैज टेकन प्लेस एदर बाय ऑल्टरिंग द डिस्क्रिप्शन और नेम और कंपोजिशन ऑफ द आर्टिकल. भाई ये आदमी अलग लेवल का चोर है. इस आदमी ने क्या किया, चाइना के गवर्नमेंट ये रिमोट को बेचती थी तो इस रिमोट पे सब्सिडी देती थी. चाइना वाले ने क्या किया बताए, ये रिमोट को खोल दिया, पूरा पूरा ओपन कर दिया रिमोट को, इसका बॉडी अलग एक्सपोर्ट किया, चिप को अलग एक्सपोर्ट किया और इंडिया में लाके असेंबल कर दिया, तो रिमोट ही बन गया और सस्ते में मिल गया. सरकार बोली ये बकवास ना कर, अगर इस टाइप की तूने हरकत करी, देख अनअसेंबल्ड वाली, या तो नेम डिस्क्रिप्शन चेंज कर दिया, इसको रिमोट के बदले जादूगर बोल दिया,
चलो ये पागल है भी, ये सब अगर हरकत किया तो सरकार बोली ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी उस अदर आर्टिकल में भी लगेगी। बोला अदर आर्टिकल मतलब सरकार बोली सुन तूने रिमोट खोल दिया, रिमोट खोलने के कारण प्लास्टिक अलग हो गया, चिप अलग हो गई, सब अलग अलग। सरकार बोली हम चिप में भी जो सब हम मान के चलेंगे कि चिप और आर्टिकल में सब्सिडी लगी हुई है और हम काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा देंगे। समझ आया? ये इंडिया में लोग करते हैं भाई। रिलायंस धीरू भाई अंबानी मूवी नहीं देखी हो क्या? गुरु भाई, गुरु जो मूवी, उसमें देखना ना, यही तो हुआ है। इंपोर्ट किया चाइना से मशीन, और चाइना से मशीन इंपोर्ट में क्या लगता था? इंपोर्ट ड्यूटी। भाई ने क्या किया? चाइना की मशीन को पूरा तोड़ताड़ दिया, मतलब पूरा खुलवा दिया, और मशीन को खुलवा के उसके पार्ट पार्ट को इंपोर्ट कर रहा था। सरकार बोली भाई ये क्या है? वो बोला आपने मशीन पे इंपोर्ट ड्यूटी बोली थी, मशीन का है स्क्रू आया है, स्क्रू में कैसे लगाओगे? सरकार बोली यार बात तो सही है, स्क्रू में कैसे लगेगा? बाद में इसको अमेंड किया गया, चेंज किया गया। सरकार बोली भाई बाद में सब स्क्रू जोड़ के ना मशीन ही बन रही है, वो तो तुम्हारा काट रहा था। लगेगी भाई, काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगेगी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल। समझ आया? बैठा दिमाग में? और देखो लोग किस टाइप के दिमाग दौड़ाते हैं। अंडरस्टैंड वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन सच इंक्वायरी एज इट कंसीडर नेसेसरी इज ऑफ द ओपिनियन दैट एब्सॉर्प्शन ऑफ काउंटरवेलिंग ड्यूटी इंपोज्ड हैज टेकन प्लेस वेयर द काउंटरवेलिंग ड्यूटी सो इंपोज्ड और रेंडर्ड इनएफेक्टिव इट मे मॉडिफाई सच ड्यूटी टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ सच एब्सॉर्प्शन फ्रॉम सर्टेन। कोई बताएगा ये क्या बोलना चाह रहे हैं? बताऊं एग्जांपल? सुनो, चाइना वाले ने ये रिमोट भेजने के लिए इसमें 20 रुपए की क्या दे दी थी? सब्सिडी दे दी थी, तो 60 का 40 हो गया था। उसको पता चला अच्छा इंडियन गवर्नमेंट 20 रुपए का वो लगा रही है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल 20 रुपए का लगा रही है। चाइना गवर्नमेंट बोली एक काम करते हैं और 20 रुपए की सब्सिडी दे देते हैं। अब रिमोट हो गया 20 रुपए का, तो अगर अब इंडियन गवर्नमेंट 20 रुपए की काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल लगा भी देगी तो कितने का बन जाएगा रिमोट? 40 का ही बनेगा। सरकार बोली सुन ये सब ना अंडरसंड दिमाग मत लगा, अगर तूने इस टाइप की हरकत करी और इसके कारण वो सामने वाले की प्राइस में मतलब और रिडक्शन आ गया। सरकार बोली हम क्या करेंगे, ये जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी जो हमने पहले 20 बोली थी ना बाद में 40 कर देंगे, तो हमसे क्यों पंगा लेता है? हम बाप है, जो हम बोल दिया वो फाइनल है, 40 ले। तो चाइना बोलेगा पहले तो 20 बोले थे, तो पहले तू भी 40 बोला था, तू भी तो रिड्यूस किया तो हम भी बढ़ा दिए, तू रिड्यूस कर हम बढ़ाएंगे, तू रिड्यूस कर हम बढ़ाएंगे, यही चलेगा तेरे मेरे बीच। समझ आया? चाइना में लगाया काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल और रशिया पे नहीं लगाया, तो चाइना वाला स्मार्ट निकला, चाइना वाला पहले रशिया में भेज दिया, रशिया से बाबे। इसीलिए तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चाहिए होता है, जिससे पता चलता है वो चीज कहां से चली है। याद है कल क्यों बता रहा था? तभी तो पता चलेगा कहां से चला है। सरकार बोली वाह बेटे चाइना तेरे पास ही दिमाग है, मतलब हम लोग बेकूफ बैठे। समझ आया? एब्जॉर्प्शन ऑफ काउंटर वेलिंग ड्यूटी सेट टू टेकन प्लेस। देखो कब कब ये होगा कि एब्जॉर्प्शन माना जाएगा। देखो इफ देयर इज अ डिक्रीज इन द एक्सपोर्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विदाउट एनी कंज्यूमरेटिव चेंज। अबे आर्टिकल में कुछ नहीं बदला, रिपोर्ट पहले भी यही था, आज भी यही है, अचानक से इसका 20 रुपए और कैसे कम हो गया? हाँ मान लो इसके अंदर से छिपी हटा देते और काली खोखा बेचते तो मैं मान लेता कि भैया ठीक है 20 रुपए कम किए क्योंकि इसके अंदर आर्टिकल्स कम हुए, चीजें कम हुई हैं। अबे कुछ कम ही नहीं हुआ, पहले भी यही रिमोट था आज भी यही रिमोट है, तो 20 कम कैसे हुआ? समझ आया? बैठा दिमाग में? और अंडर एनी अदर सर्कमस्टेंसेस एज वे प्रोवाइडेड बाय द रूल्स। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट में पेंडिंग द डिटर्मिनेशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन एंड द रूल्स मेड देयर अंडर of the amount of subsidy imposing a countervailing duty not exceeding the amount of any subsidy as provisionally estimated
मैंने आपको बताया सर, जितने सब्सिडी है उतना जो प्रोविजनली डिसाइड होगा उतनी का सब्सिडी लगाएंगे, समझ आया? और अगर कुछ एक्सेस हुआ तो क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे। प्रोविजनल तो था, हमने डिसाइड किया था, अगर उससे ज्यादा हुआ तो कल के दिन रिफंड भी कर देंगे, समझ आया? अगला देखो, नोटिफिकेशन इशूड ऑन एनी काउंटर वेलिंग ड्यूटी इम्पोज शैल नॉट अप्लाई टू इम्पोर्ट। मैंने आपको बताया अगर मैं SEZ को ट्रांसफर कर रहा हूँ या एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो उसमें काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाएंगे ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल? नहीं सर, क्योंकि मैं भी तो किसी और का काट रहा हूँ, इससे इंडिया की इंडस्ट्री को हार्म कैसे होगा? अरे मैं चाइना से कम में लाया तो मैं तो श्रीलंका में निपटा दिया ना, इंडिया में यूज करता तो इंडिया की इंडस्ट्री को नुकसान होता है, तो मैं चाइना श्रीलंका में निपटा दिया तो नुकसान किसको होगा? श्रीलंका को, वो मरेगा, इंडिया को क्या फर्क पड़ेगा? बल्कि इंडिया में तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, समझ आया? बैठा दिमाग में यही चीज दी हुई है। आगे देखो, वेदर द काउंटरवेलिंग ड्यूटी शैल नॉट बी लेवेड अनलेस इट इज डिटरमाइंड दैट द सब्सिडी रिलेटेड टू द एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। मैंने आपको बताया सर, द सब्सिडी रिलेटेड टू द यूज ऑफ डोमेस्टिक गुड्स ओवर द इंपोर्टेड गुड्स इन द एक्सपोर्ट आर्टिकल। मतलब सिंपल सी बात है सर, अगर आपने एक्सपोर्ट के लिए तो ये वाली ड्यूटी नहीं लगाएंगे, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। अगर सर इंडिया में वैसे ही डोमेस्टिक गुड्स ज्यादा यूज होते हैं और इंपोर्टेड गुड्स कम यूज हो रहे हैं तो सरकार बोलती है हम नहीं लगाते, जा तू बैठ, वैसे भी तेरा माल बिकता नहीं है इंडिया में, ठीक है? या फिर सब्सिडी हैज बीन कंफर्ड ऑन अ लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूसिंग आर्टिकल द आर्टिकल सच अनलेस सच एन आर्टिकल सब्सिडी इज फॉर रिसर्च एक्टिविटी असिस्टेंट टू डिसएडवांटेजियस रीजियंस या असिस्टेंस टू प्रमोट एडॉप्शन टू द एग्जिस्टिंग फैसिलिटी ऑफ अ न्यू एनवायरमेंट इक्विपमेंट। क्या बोलना चाह रहे ये? समझो, ये बोलना चाह रहा है सर, सब्सिडी जो है अगर लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन को इफेक्ट करती है तो सरकार बोलती है फिर ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी हम नहीं लगाएंगे, पर सब्सिडी इसलिए कि सामने वाला इंडिया में रिसर्च एक्टिविटीज कर रहा हो या फिर असिस्टेंट टू डिसएडवांटेजेस रीजंस, कुछ गलत चीजों के लिए हो रहा हो सब्सिडी, या असिस्टेंस टू प्रमोट एडॉप्शन ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटी टू न्यू एनवायरमेंटल इक्विपमेंट्स, नए इक्विपमेंट्स लाने के लिए सब्सिडी हो तो सरकार बोले फिर काउंटर वेलिंग ड्यूटी हम लगा देंगे सब्सिडाइज आर्टिकल, समझ आया? लेवी फ्रॉम रेट्रोस्पेक्टिव, ये आप एक बार नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो, रेट्रोस्पेक्टिव समझते हो मतलब? प्रोस्पेक्टिव वर्ड का मतलब होता है आगे, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पीछे से। एग्जाम्पल, आज की तारीख है 28 दिसंबर है, मान लो मैंने आपको ये बोल दिया कि सर इंडिया में काउंटर वेलिंग जो ड्यूटी है और सब्सिडाइज आर्टिकल ये रिमोट पे 1 अप्रैल 2022 से लगेगी, दिस इज कॉल्ड रेट्रोस्पेक्टिव। मैं तो दिसंबर में बैठा हूँ पर लगा अप्रैल से रहूँ। प्रोस्पेक्टिव वो होता है जब मैंने बोला भाई आज 28 तारीख है, आज के बाद से ये रिमोट पे काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगेगी, दिस इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव मतलब आगे, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पीछे से, समझ आया? ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट मे लेवी काउंटर वेलिंग ड्यूटी फ्रॉम अ डेट प्रायर टू द डेट ऑफ इम्पोजिशन ऑफ काउंटर वेलिंग ड्यूटी नॉट एक्सीडिंग 90 डेज। मतलब रेट्रोस्पेक्टिव कितने दिन के लिए हो सकता है? 90 डेज, समझ आया? ये ध्यान रखना, एग्जाम में आता है। अगला दिया हुआ है एंटी डंपिंग ड्यूटी, ये क्या होगा? डंप करना किसी का माल छोड़ देना, डंप कर देना, जानबूझ के कम से कम रेट में गिरा देना, क्यों? ताकि वहां का मार्केट पूरा खत्म हो जाए। चाइना हमारे साथ यही तो किया सर, अपने सड़ी से सड़ी चीजें यहाँ कम से कम रेट में बेच दिया और क्या बोलते हैं, डंप किया माल, पैसा पीट लिया। अब धीरे से इंडियंस को समझ आने लग गया कि सर चाइना के प्रोडक्ट इतने अच्छे नहीं होते, ज्यादा नहीं चलते, अब लोग धीरे धीरे वापस चाइना का प्रोडक्ट छोड़ते जा रहे, इसीलिए तो चाइना बौखला गया हमसे। एक तो इंडियन गवर्नमेंट बैन करते जा रही है चाइना के प्रोडक्ट्स लेना, हम कम करते जा रहे हैं, तो चाइना इसीलिए तो उसका मार्केट शेयर इंडिया से कम होते जा रहा है। एंटी डंपिंग ड्यूटी, पहले चाइना अपना माल डंप कर देता था इंडिया पे तो हम उस पर क्या करते थे, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते थे। देखो, डंपिंग इज सेट टू अकर व्हेन द गुड्स आर एक्सपोर्टेड बाय अ कंट्री टू अनदर कंट्री एट अ प्राइस लोअर देन इट्स नॉर्मल वैल्यू। ये क्यों करते सर? ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, आप जानबूझ के मार्केट खराब करना चाहते हो सर, आपकी नियत पे खोट है सर। एंटी डंपिंग इज अ मेजर टू रेक्टिफाई द सिचुएशन,
हम क्या करेंगे सर, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देंगे उसके ऊपर, ताकि सर जो नॉर्मल रेट में वो बिकता है वो वापस उसी नॉर्मल रेट पे आ जाए। देखो सर कंपटीशन बराबरी में होता है सर, एक आदमी 50 का बेचता है और एक आदमी 10 रुपए का बेचता है ना सर, तो कंपटीशन नहीं होता। कंपटीशन ये है कि 50 वाले को 25 में ले आओ और 10 वाले को 25 में ले आओ, फिर कॉम्पीट कराओ ना सर, बराबरी में कॉम्पीट कराओ। जिसका प्रोडक्ट अच्छा होगा बिकेगा, नहीं होगा मार जाएगा मार्केट। समझ आ रहा है? कंडीशन टू इम्पोज An article is exported by an exporter or producer from a country or a territory at less than its normal value, and such article is imported into India. But obviously बात है, हम कस्टम ड्यूटी पढ़ भी इंडिया के लिए ही रहे। अबे अगर यूएस में हो रहा होगा ये सब तो हमें क्या करना है सर, हमें तो इंडिया से मतलब है ना सर। क्वांटम कितना लगाया जाएगा, सिंपल सी बात है सर, अगर मान लो कोई गुड्स का नॉर्मल चार्ज है 100 रुपए और आप उसको सप्लाई कर रहे हो 78 रुपीज में, तो 22 रुपीज का सर क्या हो जाएगा, एंटी डंपिंग ड्यूटी, क्योंकि नॉर्मल रेट से कम रेट पे चार्ज कर रहे हो आप, कम रेट पे सप्लाई कर रहे हो। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट में इंपोज एंटी डंपिंग ड्यूटी नॉट एक्सीडिंग द मार्जिन ऑफ डंपिंग, मार्जिन ऑफ डंपिंग कितनी थी 22 इन रिलेशन टू सच आर्टिकल। कैसे निकालते मार्जिन ऑफ डंपिंग, नॉर्मल वैल्यू लेस एक्सपोर्ट वैल्यू, मैंने तो आपको बताया ना सर नॉर्मल वैल्यू कितनी 100, वो दे कितने में रहे 78, तो 22 रुपीज का क्या हो गया एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएंगे पर डंपिंग चार्ज। ठीक है, अब इन्होंने बोला सर देखो एक्सपोर्ट प्राइस क्या होगी, देखो क्योंकि एक्सपोर्ट प्राइस डिसाइड करना जरूरी है ना सर। देखो एक्सपोर्ट प्राइस इन रिलेशन टू एन आर्टिकल मींस द प्राइस ऑफ द आर्टिकल एक्सपोर्टेड फ्रॉम द एक्सपोर्टिंग कंट्री और अ टेरिटरी एंड, मतलब चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है उसकी जो प्राइस है, एंड इन केस वेयर नो एक्सपोर्ट प्राइस और वेयर द एक्सपोर्ट प्राइस इज अनरिलायबल। समझ ही नहीं आ रहा है उसकी एक्सपोर्ट प्राइस क्या है, समझ आ रहा है, हम क्लियर ही नहीं हो पा रहे उसके गुड्स की एक्सपोर्ट प्राइस क्या है। भाई नॉर्मल वैल्यू तो समझ आ गई बट उसकी एक्सपोर्ट प्राइस समझ नहीं आ रही है। तो देखो सर अनरिलायबल बिकॉज ऑफ एसोसिएशन और अ कंपनसेटरी अरेंजमेंट बिटवीन द एक्सपोर्टर एंड द इंपोर्टर ऑफ अ थर्ड पार्टी, द एक्सपोर्ट प्राइस मे बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइस एट विच द इंपोर्टेड आर्टिकल आर फर्स्ट रीसोल्ड टू एन इंडिपेंडेंट बायर। ओ माय गॉड, मतलब चाइना अगर यही वाला माल जो इंडिया में डंप कर रहा है, यही माल अगर वो अपने ही किसी आदमी को बेचेगा तो कितने में बेचे, पता करना आसान है। कौन सी बड़ी बात है सर, चाइना में ये रिमोट कितने में बिक रहे पता करना बहुत आसान है, आराम से पता चल जाएगा। और अगर सर वो किसी को बेचता भी नहीं है, नॉट रिसोल्ड इन कंडीशन एज इम्पोर्टेड ऑन सच रीजनेबल बेसिस एंड कैन बी डिटरमाइंड विद द रूल 9A6। इन्होंने बोला सर रूल्स के बेसिस में हम वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, रूल्स नीचे दिया हुआ अपन पढ़ लेंगे। समझ आया? तो पहले हमें एक्सपोर्ट गुड्स, एक्सपोर्ट वैल्यू क्या होगी, सिंपल है, जितने भी वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो हमारी एक्सपोर्ट वैल्यू हो जाएगी, उस वैल्यू को हम नॉमिनल वैल्यू से कंपेयर कर लेंगे। बट अगर मान लो एक्सपोर्ट वैल्यू नहीं मिलती तो हम बोलेंगे ठीक है तेरे गुड्स की अगर एक्सपोर्ट वैल्यू नहीं मिल रही है, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर दोनों मिल गए तो सरकार बोली ठीक है रुक बेटा हम इसका मार्केट में पता कर लेंगे कि चाइना इसको अपने लोगों को कितने में बेचता है, तब तो पता चल ही जाएगा। तू छुपा भी लेगा, तुम दोनों मिलकर छुपा भी लोगे तो मार्केट से पता कर लेंगे। समझ आया? आगे देखो नॉर्मल वैल्यू इन रिलेशन टू एन आर्टिकल मींस द कंपेरेबल प्राइस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ट्रेड, कंपेरेबल प्राइस फॉर एन लाइक आर्टिकल, लाइक आर्टिकल उसके जैसा व्हेन डेजिग्नेटेड फॉर कंजम्पशन इन द एक्सपोर्टिंग कंट्री और टेरिटरी एज डिटरमाइंड इन द रूल्स। इस रिमोट की नॉर्मल प्राइस मेरे को पता ही नहीं चल रही है, कैसे करूं? सरकार बोली एक काम कर, इसके जैसा मार्केट में कोई और रिमोट होगा ना, अगर कोई इसके जैसा मार्केट में कोई और रिमोट होगा वो रिमोट इंडिया में कितने में बेच रहे वो उसकी नॉर्मल प्राइस है। वेयर देयर इज नो सेल ऑफ लाइक आर्टिकल, मतलब इसके जैसा कुछ है ही नहीं बिकने वाला, ये एक लौता प्रोडक्ट है पूरे मार्केट में, इसके जैसा कुछ भी नहीं है, सिमिलर प्रोडक्ट ही नहीं है, तो सरकार बोली देखो इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ट्रेड इन द डोमेस्टिक मार्केट ऑफ द एक्सपोर्टिंग कंट्री और टेरिटरी और व्हेन बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर मार्केट और सिचुएशन और लो वॉल्यूम ऑफ सेल इन द डोमेस्टिक मार्केट ऑफ द एक्सपोर्टिंग गुड्स और टेरिटरी सच सेल डू नॉट परमिट अ प्रॉपर कंपेरेबल नॉमिनल प्रॉपर कंपेरिशन द नॉर्मल वैल्यू शैल बी आइदर। एक लौता ये प्रोडक्ट है, इसकी वैल्यू मुझे पता नहीं चल रही है और ये प्रोडक्ट कोई और बेचता भी नहीं है और चाइना इसको अपने मार्केट में क्या रेट में बेच रहा है डिस्क्लोज भी नहीं कर रहा है,
सरकार बोली देख इस केस में हम नॉर्मल वैल्यू कैसे निकालेंगे, कंपेरेबल रिप्रेजेंटेटिव प्राइस ऑफ लाइक आर्टिकल व्हेन इंपोर्टेड फ्रॉम एन एक्सपोर्टिंग कंट्री और टेरिटरी टू एन एप्रोप्रिएट थर्ड कंट्री। मतलब जब चाइना ने इंडिया को नहीं बेचा, चाइना ने श्रीलंका को बेचा, तो श्रीलंका को ये रिमोट कितने में बेचा पता चल जाएगा नॉर्मल, भाई चाइना हमारे साथ गड़बड़ कर रहे हैं श्रीलंका के साथ। तो एक स्टूडेंट बोला सर श्रीलंका के साथ भी कर सकते हैं, अरे मैं बोला यूएस के साथ। अब आप बोलोगे सर पूरे इंडिया लेवल में, पूरे वर्ल्ड लेवल पे सबके साथ कर रही है, काल्पनिक बात है सर, किसी के साथ तो पेट चल रहा होगा वो। या फिर और द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ले सरकार बोली सुख बहुत हो गया तो नहीं बता पाएगा तो फिर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ले लेंगे सर और उसी को मान लेंगे। कॉस्ट तो झूठी नहीं हो सकती, बनाया होगा तो कॉस्ट तो लगी होगी और कॉस्ट जो लगी होगी वो मान लेंगे। हाउएवर इन केस ऑफ एन इंपोर्ट ऑफ एन आर्टिकल फ्रॉम अ कंट्री अदर देन कंट्री ऑफ ओरिजिन, अदर देन कंट्री ऑफ ओरिजिन मतलब समझ रहे हो, आईफोन बना चाइना में पर मैंने इंपोर्ट कराया यूएस से, आर्टिकल हैज बीन मेयरली ट्रांसशिप फ्रॉम अ कंट्री ऑफ एक्सपोर्ट और सच आर्टिकल इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री ऑफ एक्सपोर्ट और देयर इज नो कंपेरेबल प्राइस इन द कंट्री ऑफ एक्सपोर्ट द नॉर्मल वैल्यू शैल बी डिटरमाइंड विद रेफरेंस इन द प्राइस इन द कंट्री ऑफ ओरिजिन। मतलब समझो सर, चाइना में आईफोन बना, यूएस से मैंने इंपोर्ट किया, अब यूएस से मैं प्राइस डिसाइड नहीं कर पा रहा नॉमिनल वैल्यू, तो चाइना वाला वो आईफोन को चाइना में कितने में बेचता है वही वैल्यू ले लेंगे अपन नॉमिनल वैल्यू। अगर यूएस वाला नहीं बता रहा है तो नॉमिनल वैल्यू अपन वैसे ले लेंगे। बेसिकली ये करवाना क्या चाहते हैं, कोई भी तरीके से उस प्रोडक्ट की वैल्यू पता चलना चाहिए हमें। वैल्यू पता चलेगी तब तो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा पाओगे सर, अगर वैल्यू ही नहीं पता चलेगी तो डंपिंग ड्यूटी कैसे लगाओगे सर। समझ आया? ड्यूरेशन ऑफ इम्पोजिशन, दैट ड्यूटी शैल बी इन अ फोर्स फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इम्पोजिशन, हाउएवर गवर्नमेंट चाहे तो उसको एक्सटेंड कर सकती है फर्दर पीरियड ऑफ 5 years। रिव्यू करने की बात है, वो 5 साल खत्म नहीं हुआ है, वो 1 साल के लिए रिव्यू कर सकते सर, और वो 1 साल तक उनकी ड्यूटी क्या रहेगी, वो क्या जाएगी टेम्पररी, ठीक है, उसके बाद ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो ऊपर पढ़ के आए थे वो सेम है, सब्सिडाइज वाले में पढ़ के आए थे ना, यहाँ पर अनअसेंबल कर देते हो, जांच के तोड़ ताड़ के भेज देते हो। सरकार बोली ये सब छिछोरी हरकत मत करा करो, ये सेम है सर, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ लिए सेम है, आपको पढ़ना है दोबारा पढ़ ले, ठीक है सर। ये भी ऊपर वाला सेम है, ये पूरा सेम है, यहाँ तक सेम है। सर प्रोविजनल की बात आएगी तो सर क्या ये भी सेम हो जाएगा, यस सर ये प्रोविजनल वाला भी सेम है। क्या ये एसईजेड वाला भी सेम है, यस सर ये भी सेम है, ठीक है। और रेट्रोस्पेक्टिव मैंने अभी आपको समझाया था क्या होता है सर, पीछे से, सरकार बोली हम पीछे से भी लगाएंगे सर, ठीक है ये भी सेम है। और देखो सर दस बार क्लास से जाती आती है पढ़ाता हूँ, ठीक है सर। रेट्रोस्पेक्टिव अगर अपन को करना है तो मैक्सिमम याद है 90 डेज का रेट्रोस्पेक्टिव हो सकता है पीछे से। सर क्वेश्चन देखते हैं, चलो सर। अ कमोडिटी इज इंपोर्टेड इनटू इंडिया, देखो पता है आपको ये जो मैं आपको सेम सेम करके बता दिया ना, इसी चीज को लोग ना लेक्चर में दोबारा बताना चालू कर देते, इसीलिए लोगों के कस्टम के लेक्चर इतने बड़े बड़े हो जाते। अभी जब वो चीज सेम है एग्जैक्ट, एक बार पढ़ चुका है तो दोबारा क्यों पढ़ेगा उसी चीज को, आपको पढ़ना है पढ़ो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, 10 बार पढ़ो मेरा क्या डर है। बट जब चीजें सेम है तो सेम चीजों पे 4 बार मेहनत करके सेंस नहीं बनता है। देखो क्वेश्चन, अ कमोडिटी इज इंपोर्टेड इनटू इंडिया फ्रॉम अ कंट्री कवर्ड बाय नोटिफिकेशन इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट 9A, 9A वाली कंट्री भाई बता दो, क्या एंटी डंपिंग वाली बात आ गई, यस सर एंटी डंपिंग ड्यूटी 9A में ही होती है सर। Foreign particulars are made available, accessible value for levying basic custom duty. Sir, आप लोगों को चलाना पड़ेगा कैलसी, चालू करो सर, लिख लिख के करना नहीं तो फंस जाओगे। बेसिक ये accessible value है ये सर, इस पे बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% है, सोशल वेलफेयर चार्जेस 10% लगाना, करो करो सबको करना पड़ेगा सर। और देखो एंटी डंपिंग के लिए क्या दिया हुआ है, द एंटी डंपिंग ड्यूटी विल बी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ कमोडिटी कैलकुलेटेड एट द 50 rupees per kg, $50 50 rupees per kg, एक्सचेंज रेट इज $1 एट द रेट ऑफ 70 एंड द लैंडेड वैल्यू ऑफ द कमोडिटी एज इंपोर्टेड। कॉस्ट ऑफ कमोडिटी 50 rupees के हिसाब से पर केजी और लैंडेड वैल्यू ऑफ कमोडिटी आप निकालोगे सब, निकालो सब निकालेंगे सर।
बेसिक कस्टम ड्यूटी निकालो, फिर सोशल वेलफेयर चार्ज निकालो। पहले मेरे को बताते जाओ सर, बेसिक कस्टम ड्यूटी कितनी आ रही है? एक एक 126.50 आ रही है। फिर सोशल वेलफेयर सरचार्ज कितना आ रहा है? 126.50 आ गया। ऐड करो सर, ऐड करना, ऐड करो 140137। ये आ गया सर 140135। क्या यही वैल्यू पे गुड्स इंपोर्ट हो गए हैं? यस सर, ये वैल्यू पे गुड्स इंपोर्ट हो गए। आईजीएसटी तो इसके बाद होता है ना, याद है ना, आईजीएसटी इसके बाद होता है। तो ये लैंडेड वैल्यू तो गुड्स आ गई। फिर सर रेट ऑफ कॉमोडिटी कितना दिया हुआ है सर? 50 रुपीज पर केजी। तो 500 कितने केजी मंगा है? 500 केजी। तो 500 × 50 करो कितना आ रहा है सर? 2500 आ गया। $1 कितना रेट दिया हुआ है? सॉरी 25,000। 25,000 × 70 करो सर, $1 ₹70 है ना सर? तो करो 70 कितना है? नहीं बैठ जा चुपचाप। 17,50,000 तुमने वैल्यू कितनी निकाली थी सर? 14,01,375। जबकि वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी? 17,50,000 माइनस करो, डिफरेंस निकालो कितना आ रहा है? क्या डिफरेंस कितना है? 3,48,600। इतने की एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगी सर। बताओ किसको समझ आया नहीं आया? कितने की एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगी? और एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगी उसके बाद अपन आईजीएसटी लगाएंगे सर। आईजीएसटी ये जो वैल्यू आपने निकाला सर, हाँ 17,50,000 वैल्यू हुई ना मेरी, तो 17,50,000 में 18% आईजीएसटी। आईजीएसटी निकालने के लिए सिर्फ अपन एक चीज को इग्नोर करते हैं, और क्या चीज इग्नोर करें? आया समझ? टोटल कस्टम ड्यूटी पेबल में देखो सर, ए को ऐड करो, बी को ऐड करो, एंटी डंपिंग ड्यूटी है कहाँ गई है ये, इसको ऐड करो और आईजीएसटी को ऐड करो, तो ये आपकी टोटल कस्टम ड्यूटी पेबल आ जाएगी। समझ आया? करो सर कैसी में ऐड करो और चलाओ, हाथ चलाओ सर। सर वैसे मैं आपको बताऊं, ये आईजीएसटी लगाने के पीछे लॉजिक क्या है, मैं आपको बताऊं, ये आईजीएसटी लगाने के पीछे लॉजिक ये होता है, आप एक बात समझो, अगर ये रिमोट में बनाता इंडिया में और इंडिया में किसी को भी बेचता तो क्या जीएसटी लगता? लगता। अब मैं कोई इंडिया से बाहर, इंडिया के बाहर से गुड्स लेके आया और इंडिया में लाके बेचा, आपको लगता है इंडिया वाले से बराबरी होगी? नहीं होगी, क्योंकि जब इंडिया वाला बेच रहा था तो जीएसटी पे कर रहा था, और बाहर वाला अगर आके इंडिया में बेचा तो वो जीएसटी पे नहीं कर रहा है, तो बराबरी किस बात की हुई सर? इसीलिए बराबरी करने के लिए हम आईजीएसटी लगाते हैं सर, ये नॉलेज के लिए बता रहा है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इरिलेवेंट है, बट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से काम करो। समझ आई मेरी बातें? क्लियर हुआ सबको? किसी को ये क्वेश्चन में डाउट है, नहीं समझ आया तो पूछ लो भाई। क्लियर है? चलो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, फिर इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आज की क्लास भी ओवर करेंगे, फिर कल पढ़ेंगे इसके आगे थर्ड वाला। रिफंड ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी इन सर्टेन केसेस, देखो सर एंटी डंपिंग ड्यूटी कब रिफंड कर देंगे? सेक्शन 9AA, वेयर अपॉन द डिटरमिनेशन ऑफ एन ऑफिसर ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एन इंपोर्टर प्रूव्स, वो प्रूव कर रहे सर टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट ही हैज पेड एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज्ड अंडर 9A ऑन एन आर्टिकल इन एक्सेस, ज्यादा पे कर दिया, ज्यादा पे किया तो क्या करेंगे सर? रिफंड करने की बात आएगी सर, ज्यादा पे करेगा तभी तो रिफंड की बात आएगी। तो देखो सर, सेंट्रल गवर्नमेंट मे मेक रूल्स, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर ये ध्यान रखना है तो रिफंड कौन देता है, देखो सर डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ, वैसे तो मैंने आपको बताया था सर प्रॉपर ऑफिसर के नाम से याद रखोगे, बट अगर कभी स्पेसिफिक आ जाए तो ये ध्यान रखना। नो लेवी अंडर सेक्शन 9 और 9A इन सर्टेन केसेस, देखो 9B क्या बोल रहा है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 9 और 9A, मतलब 9 और 9A की बात को साइड कर रहे हैं हम, उसके बाद हम कुछ बताना चाहते हैं। नो आर्टिकल शैल बी सब्जेक्टेड टू बोथ काउंटरवेलिंग ड्यूटी एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी, दोनों चीजें नहीं लगी, टू कंपनसेट फॉर अ सेम सिचुएशन ऑफ डंपिंग और एक्सपोर्ट सब्सिडाइजेशन। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल नॉट लेवी एनी काउंटरवेलिंग ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी by the reason of exemption of such article from the duties or taxes borne by the like article which mean for consumption in the country of origin or exportation or by the reason of refund of such duties or taxes।
अगर मान लो वो आर्टिकल्स में लेके आया, उसको मैं बाहर एक्सपोर्ट करने वाला, सरकार बोलती है उस केस में हम एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लेंगे, लेना भी नहीं चाहिए, काउंटर वेलिंग ड्यूटी नहीं लेंगे, क्योंकि उससे इंडिया की इंडस्ट्री को कोई हार्म नहीं हो रहा है। और मान लो अगर वो जो बाहर से हम इम्पोर्ट कर रहे हैं और वैसे ही उस वो गुड्स इंडिया में एग्जेम्प्टेड है टैक्स, तो सरकार बोलती है उस केस में भी नहीं लेंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू वैसे ही कम रही होगी। आगे देखो, अंडर सबसेक्शन 1 ईच ऑफ दिस सेक्शंस ऑन इम्पोर्ट इनटू इंडिया ऑफ एनी आर्टिकल फ्रॉम अ मेंबर कंट्री ऑफ द WTO और फ्रॉम अ कंट्री फ्रॉम होम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मूव फॉरवर्ड नेशन एग्रीमेंट फेवर्ड, सॉरी फॉरवर्ड नहीं फेवर्ड नेशन एग्रीमेंट। दो चीजें होती है सर, एक होता है WTO के थ्रू ट्रेड करना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके सर सब मेंबर्स होते हैं, चाइना भी लास्ट में ज्वाइन हुआ है सर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एज अ मेंबर, ठीक है, या तो हमने किसी को बोल दिया सर मोस्ट फेवर्ड नेशन एग्रीमेंट, हम रशिया से मोस्ट फेवर्ड नेशन एग्रीमेंट का एग्रीमेंट करके रखे सर, क्योंकि हम रशिया को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, रशिया से हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। Unless in accordance with the rule made under subsection 2 of this section, a determination has been made that import of such article in India causes or threatens in material injury. Simple सी बात है सर, अगर किसको most favored nation या WTO की कोई अगर member है country उसके साथ trade कर रहे हैं, तो उस केस में आप countervailing duty और anti-dumping duty नहीं लगा सकते। इसीलिए तो China को हम enter करने नहीं दे रहे थे, चाइना को WTO का मेंबर क्यों नहीं बना रहे थे, एक बार बना दोगे उसके बाद ये एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी नहीं लगा पाओ, समझ आया। इसीलिए तो मोदी जी बोले, देखो लिखा है गवर्नमेंट शेल, हम लगा नहीं पाएंगे, अब हम नहीं लगा पाएंगे तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हार्म होगा, तो मोदी जी बोले एक काम करो भाई, लोगों को समझाओ कि बॉयकॉट चाइना, हम चाइना को बॉयकॉट कर लेते, उसके प्रोडक्ट यूज करना बंद कर देते, बैन कर देते उसके प्रोडक्ट्स को, ये बोल के बैन कर देते कि हार्म करेगा, बैन तो कर सकते हैं क्वालिटी के नाम पे भाई, ड्यूटी नहीं लगा सकते, बैन तो कर सकते हैं हार्म करके, हमने 3000 इलेक्ट्रॉनिक आइटम बैन किए, कई सारी चीजें अब चाइना की बैन करते जा रहे धीरे धीरे, एकदम से बैन नहीं किए थे, गेम भी तो बैन कर दिए थे, पबजी एक बार के लिए तो बैन कर ही दिए थे ना, तो सर ऐसे करके हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, लोगों को चाइना के प्रोडक्ट से दूर करते जा रहे हैं, और धीरे धीरे लोगों को समझा भी रहे कि क्वालिटी पे फोकस करो, इंडिया में स्टार्टअप को प्रमोट कर रहे हैं, तो इंडिया में नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, कम कॉस्ट में आ रहे हैं, स्टार्टअप्स आ रहे हैं, धीरे धीरे चाइना ऑटोमेटिक बाहर हो जाएगा मार्केट से, समझ आया। देखो ऐसा लग रहा है मैं कस्टम पढ़ाते टाइम इतना चाइना को गाली दे चुका हूँ, बस चाइना को गनीमत हिंदी नहीं आती है, गनीमत चाइना वाले को हिंदी नहीं आती है भाई, इतना बहुत लोचा हो जाएगा। हाँ देखो सर, अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ ईच ऑफ दिस सेक्शन ऑन इम्पोर्ट इन टू इंडिया ऑफ एनी आर्टिकल फ्रॉम द स्पेसिफाइड कंट्री अनलेस इन अकॉर्डेंस बेटर फोन काट दे और बेटर इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स मेड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ दिस सेक्शन अ प्रीलिमिनरी फाइंडिंग हैज बीन मेड ऑफ अ सब्सिडी और अ डंपिंग एंड कंसिक्वेंट इंजरी टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री अ फर्दर डिटर्मिनेशन हैज बीन मेड दैट ड्यूटी इज नेसेसरी टू प्रिवेंट, क्या जरूरत है कि नहीं है, ये सिंपल है, थर्ड पॉइंट तो एकदम सिंपल है सर, वो ये बोल रहे हैं कि सर अगर जरूरत होगा तो हम लगाएंगे, नहीं है जरूरत, हमें लग रहा है सर वो जितने कम में बेच रहे हैं उससे कम में तो इंडिया में काम हो जा रहा है तो नहीं लगाएंगे बाहर में। चलो बीच में एक वो देखिए आप लोग इंस्टाग्राम में बहुत वायरल हुआ था कि चाइना से कूलर 1000 रुपये में आने लगे, तो इंडिया के गांव वाले एक आदमी ने 100 रुपये में कूलर बना दिया, बोले ले तू बात तो हम चाइना, तो उसके नीचे मीम भी तो था, इंडिया रॉक्स चाइना शॉक्स, मर गया चाइना, बोले भाई ये क्या कर रहे हो भाई, ठीक है, तभी तो कोड बना था, हम इंडियन से कोई लग नहीं सकता। नथिंग कंटेंड इन सब रूल 2 and 3 शैल अप्लाई द काउंटरवेलिंग ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी हैज बीन इम्पोज्ड ऑन एनी आर्टिकल टू प्रिवेंट इंजरी, और इंजरी वगैरह हो रही है सर तो ये हम लगा सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट मे नॉट लेवी, देखो क्या बोल रहे हैं ये तो ये, any countervailing duty under section 9 at any time upon the receipt of satisfactory voluntary undertaking, सामने वाला शपथ दे रहा है, लिख के दे रहा है कि नहीं भाई मैं नहीं गलत कर रहा हूं किसी के साथ, मैं नहीं दे रहा हूं कोई सब्सिडी वगैरह, तो गवर्नमेंट नहीं लगाएगी, ठीक है तू बोल रहा है नहीं लगाते जा, प्रूफ करना पड़ेगा ना, प्रूफ मांगेंगे ना, कोई भी चीज हवा में थोड़ी बात होगी सर। एनी एंटी डंपिंग ड्यूटी दोनों के लिए सेम बात है सर, अगर आप प्रूव कर दोगे कि नहीं सर हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है तो वो नहीं लगाएंगे,
उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन वगैरह बकवास है। अपार्ट फ्रॉम दिस एडिशनल ड्यूटी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी और स्पेशल एडिशनल ड्यूटी इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन सर्टन गुड्स। सर ये सब आपके केस में नहीं है अभी, सीए सॉरी सीएस और सीएमए वालों के सिलेबस में नहीं है ये, अभी फाइनल में पहुंचा है ये, फाइनल में है ये, अभी तो नहीं है सर। जनरली दिस ड्यूटीज आर समड इन द जीएसटी, हाउएवर दिस ड्यूटीज आर स्टिल एप्लीकेबल इन द केस ऑफ गुड्स विच आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी लाइक अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। जीएसटी आने से बहुत सारे टैक्सेस खत्म हो गए, बट सर कुछ टैक्सेस अभी भी पुराने लगते हैं। एक्सपोर्ट ड्यूटी देखो कितना प्यारा है, इम्पोर्ट के लिए अपन अभी तक पड़े और एक्सपोर्ट देखो चालू होते ही खत्म हो गया। इन जनरल नो ड्यूटी इज पेबल ऑन एक्सपोर्ट, कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाउएवर गवर्नमेंट हैज इम्पोज एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन सर्टन गुड्स लाइक लेदर गुड्स, पेरस वेस्ट और स्क्रैप, स्नेक स्किन्स एसेट्रा। तो सर नॉर्मली एक्सपोर्ट में तो कोई टैक्स ही नहीं होता, तो सबसे प्यारा मेरे को एक्सपोर्ट ही लगता है। देखो एक्सपोर्ट में कुछ नहीं पढ़ना होता, इम्पोर्ट में जब से पढ़े जा रहे, समझ आया, बैठा दिमाग में, क्लियर है सबको, ठीक है। क्रैप जैसे क्या होता है, मैं बस अच्छा एग्जाम्पल है, मैं इसकी रिकॉर्डिंग रोक के बताता हूँ।